इंडिया में जो प्यार और सम्मान क्रिकेट को मिलता है वो अन्य खेलों को नहीं मिल पाता। दौलत और शोहरत के मामले में भी क्रिकेटर्स अन्य एथलीट्स के मुकाबले काफी आगे हैं। इसको लेकर अन्य खेलों के खिलाड़ी भी कई बार क्रिकेटरों के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। इसी बीच भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने एक पॉडकास्ट के दौरान क्रिकेटरों की तुलना में भारत में अन्य एथलीटों को दी जाने वाली सुविधाओं पर सवाल उठाए हैं। दरअसल साइना नेहवाल हाल ही में एक पॉडकास्ट में पहुंची थी। इस दौरान उनसे पेरिस ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन और देश में क्रिकेट के मुकाबले अन्य खेलों की स्थिति पर भी सवाल पूछे गए, जिसको लेकर उन्होंने अपने बैडमिंटन के स्ट्रगल और भारत के केवल क्रिकेट को प्राथमिकता देने को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। इसके अलावा उन्होंने भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लेकर भी एक मजेदार बात कही है। आइए जानते हैं विस्तार से। साइना ने पॉडकास्ट में कहा कि हमारे देश में सिर्फ क्रिकेट को प्राथमिकता दी जाती है, अन्य खेलों को भी सुविधाएं या आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलती जितना क्रिकेटर्स को मिलती है। अगर क्रिकेट की तरह देश में दूसरे खेलों को भी सुविधाएं मिले तो ओलंपिक में हमारा भी प्रदर्शन सुधरेगा और हम भी चीन अमेरिका की तरह मेडल जीतने में कामयाब रहेंगे। साइना ने आगे कहा कि भारत में आज हर लड़का क्रिकेट और फुटबॉल खेलना चाहता है, विराट और सचिन बनना चाहता है, लेकिन कोई भी लड़का श्रीकांत, पुलेला, गोपीचंद नहीं बनना चाहता, जबकि लड़कियां पीवी सिंधु जैसी बनना चाहती हैं। और आज आईपीएल में कोई क्रिकेटर एक मैच में स्कोर करता है तो अगले सीजन वो 5 से 6 करोड़ रुपए में बिक जाता है। वहीं साइना नेहवाल ने भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लेकर कहा कि अगर मैं अभी कह दूं कि मुझे क्रिकेट खेलना है तो मरना थोड़े ना है बुमराह की 150 की स्पीड वाली गेंद से। वहीं अगर बुमराह मेरे साथ बैडमिंटन खेलेंगे तो वो मेरी 300 की स्पीड वाली स्मैश नहीं ले पाएंगे। हमें स्पीड पर नहीं जाना चाहिए, दोनों खिलाड़ी अलग हैं। क्रिकेट एक हद तक स्किल का गेम है, वहीं बैडमिंटन स्टैमिना का। साइना ने कहा, क्रिकेट के मुकाबले बैडमिंटन काफी टफ स्पोर्ट्स है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लेयर्स को बैडमिंटन हाथ ऊपर करके खेलना पड़ता है। इसकी वजह से प्लेयर्स को हार्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ता है। आप चाहे कितने भी फिट क्यों ना हो, अगर आपको हाथ ऊपर करके शॉट मारने पड़ेंगे तो हार्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। क्रिकेट में बॉल लगने से खिलाड़ी का मरना सुना है, लेकिन बैडमिंटन खेलते समय कई प्लेयर्स को हार्ट अटैक आ चुका है। वहीं आपको बता दें, साइना नेहवाल की ये बात बहुत हद तक सही है। पेरिस ओलंपिक में जहां चीन, अमेरिका ने अपने 300 से अधिक खिलाड़ी भेजे हैं, वहीं इस बार भारत से सिर्फ 117 खिलाड़ी गए हैं। इसका मतलब ये है कि भारत में क्रिकेट को छोड़ बाकी खेलों की स्थिति अच्छी नहीं है। अगर आज हम क्रिकेट में दुनिया की नंबर वन टीम है तो इसके पीछे सरकार, बीसीसीआई के साथ कॉर्पोरेट का हाथ भी है। इसी तरह दूसरे खेलों की स्थिति मजबूत बनाने के लिए भी सरकार और कॉर्पोरेट्स को आगे आना चाहिए। वैसे आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही क्रिकेट की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहें क्रिकेट केसरी।